दुसऱ्या बाजूला आरएम स्पोर्ट्स मुरबी अशी ही लढत आहे. जबरदस्त असा सामना मैदानामध्ये रंगणार आहे, यात काही शंका नाहीये. चांगली सुरुवात झालेली आहे. दोन चेंडूंचा खेळ संपला. एकूण धावसंख्या आहे ती 5. खूप चांगलं मैदान आणि या मैदानावरती खऱ्या अर्थाने आज थोडस लेटच सामने सुरू झाले. तब्बल 25 मिनिटं मी म्हणेन लेट या सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. यानंतर न्हावा आणि वेदा 11 तयार राहायचंय. यावेळचा चेंडू खेळून काढला. तिथे क्षेत्ररक्षक नाही येतोपर्यंत एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दोन धावाची त्याच्या चपलाईने तकदीर पाटीलने पूर्ण केल्या. एकूण धाव संख्या 52 डोंगरी संघाचे धावून पोहोचल्या त्या 7 या आकड्यावरती. बिनबाद 7 अशी सुरुवात. जबरदस्त असं मैदान, जबरदस्त असं क्रिकेट आणि प्रत्येक संघामध्ये आपण पाहिले असेल फलंदाज गोलंदाज तयार झालेले आहेत. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा दिमागदार शॉट त्यांनी ओळखला. इथे क्षेत्ररक्षक आहे. तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. कल्पेश ठाकूरने मात्र योगदान दिलं दुसऱ्या धावेचा आणि या दुहेरी धावाने एकूण धाव संख्या 9 या आकड्यावरती. तकदीर पाटील जबरदस्त. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा, तिसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा, अशा एकूण जर विचार केला 9 धावा धावफलकावरती आहेत. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती मात्र समाचार घेतला. एक धाव पूर्ण केली जाते, पुन्हा एकदा 2 धावा घेतल्या जातात. तिसऱ्या धाव्याचा प्रयत्नही चालू होता परंतु तिथे नाकारलंय. 2 धावा घेतल्या, सलगच्या 3 चेंडूवरती 2-2 धावा घेतल्या. त्या तकदीर पाटीलने पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारला होता, त्यानंतर सलग 3 वेळा त्यांनी 2-2 धावा कुठल्या एकूण धावसंख्या नेऊन पोहोचवले ते 11 या धावसंख्येवरती. यावेळचा चेंडू आपण पाहिले असेल, पंच दीपक पाटील सर बाहेर निघतायत. व्हाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 12. नक्कीच डे नाईट. आज मी म्हणेन की दीपक पाटील सर या पंचांच्या भूमिकेत आहेत या मैदानावरती. खूप सारी मेहनत. यावेळी चकमा दिलंय क्षेत्ररक्षकालाही आणि इथे फलंदाजालाही. जबरदस्त गोलंदाजी. यावेळचा चेंडू गोलंदाज संकेत पाटील याच्याकडनं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपेपर्यंत बिन बात एकूण बाबा 11 क्रिकेट संघ जीवदानी बामन डोंगरी संघाच्या जाऊन पोहोचल्या त्या 12 या आकड्यावरती. टीम मीटिंग अजिबात नको, आपण बॉलर ठरवून ठेवायचंय. खूप कमी टायमिंग आहे, 10 टायमिंग आपल्याला आहे. ज्याचा धावा जास्त असतील त्याला बाय दिली जाणार आहे. आजचे 10 संघ आहेत. ज्याची धावसंख्या जास्त असेल त्याला बाय दिली जाणार आहे. याची नोंद आपण ठेवा, नाहीतर आपल्याला सांगितलं नाही अशी सूचना नाही असे आपण बोलू नका. ज्याची धावसंख्या जास्त असेल त्याला बाय दिली जाणार आहे, कारण आपण पाहिले असतील की आज 10 संघ आहेत आणि प्रत्येक संघाला संधी आहे की जास्त धावा बनवण्याची. ती कुठला संघ आज जास्त धावा करतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. परंतु एकूण धावसंख्या जर पाहिली तर बामन डोंगरी संघाची बिनबाद 12 अशी सुरुवात झाली. संकेत पाटीलने पहिलं षटक साकारलं, त्याने आपल्या या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या त्या 12. आणि आता नवीन गोलंदाज शुभम पाटील ठाकूर. शुभम ठाकूर गोलंदाजी करण्यासाठी समोरही कल्पेश ठाकूर. अतिशय जबरदस्त नावलौकिक असा फलंदाज आहे. गोलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी करत असतो, फलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी करत असतो. तर एका बाजूला शुभम ठाकूर हा गोलंदाज. शुभमचा हा चेंडू खेळून काढलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं परंतु थोडस त्रेदा तिरपीड झालं आणि ते मात्र 2 धावा मिळाल्या. मी नेहमीच कन्नडीमध्ये म्हणत असतो जीववा लललत दुरधुरीत कंठ. थोडस धुलीस मिळवणार हे क्षेत्ररक्षण आणि तिथे मात्र 2 धावा घेतल्या जातात. या दुहेरी धावाने एकूण धावा 14 या आकड्यावरती. 14 धावा आतापर्यंत पाहिले आहेत आपण. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. शुभमचा हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. बॅट आधी निघून गेलाय, चेंडू माघारी गेला आणि सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये सरसावला. अगदी जबरदस्त चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी शुभम ठाकूर या गोलंदाजाकडनं आपण पाहिलेले आहे. ती बा हॅलो मुरबी संघासाठी हा गोलंदाज आपण पाहतोय. जबरदस्त गोलंदाजी करतोय समोर कल्पेश ठाकूर. यावेळचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात नीत येत नाहीये. जबरदस्त वेगवान गोलंदाजी केली जाते, जखडून ठेवलं जाते कल्पेश ठाकूरला. क्या गेंदबाजी आहे, जबरदस्त चेंडू टाकले जातात आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं क्रिकेटमध्ये भाग आहे. आणि हे पॉवर प्लेचं षटक संपल्यानंतर अगदी चांगली गोलंदाजी करत 4 षटकांचा सामना आहे आणि त्या 4 षटकांमध्ये
याव्याचा चेंडू पुन्हा एकदा तीन चेंडू निर्धाव टाकलेत शुभम ठाकूरने जकडून ठेवलं बांधून ठेवलं मी म्हणेन की कल्पेश ठाकूरला बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू निश्चय येत नाहीये प्रयत्न तो मात्र करत आहेत परंतु प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये यश मिळतोय तो गोलंदाजाला गोलंदाज मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय टिचून मारा भेदक मारा आणि वाखाण्याजोगी गोलंदाजी त्याने आतापर्यंत केलेली आहे कॉमेंट्री बॉक्स सेंड करणार पुन्हा एकदा या वेळेचा चेंडू खेळून काढलाय आता बॅटची एज घेतले तिथे क्षेत्ररक्षक आहे कल्पेशने एक डाव घेतलेली आहे दुसरी डाव घेण्याचा प्रयत्न अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चीत्याच्या चपलाईने ही दुसरी डाव चोरली जाते या दुहेरी डावाने एकूण धावसंख्या 16 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली बिनबाद 16 एका बाजूला तकदीर पाटील आहे ज्या तकदीर पाटीलचा आज खऱ्या अर्थाने वाढदिवस आहे वाढदिवसाच्या त्याला खूप खूप शुभेच्छा परंतु मैदानामध्ये शुभम ठाकूर ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतो पहिले तीन चेंडू तर त्याने अतिशय चांगले टाकले या चेंडूवरती एक दोन धावा मिळाल्या आणि एकूण धाव संख्या आहे ती 16 धावा बाबा इलेव्हन जीवदानी बामण डोंगरी संघाच्या यावेळेचा चेंडू खेळून काढलाय तिथे क्षेत्ररक्षक आहे एक धाव मिळणार आहे एकापेक्षा काही नाहीये एकेरी धाबेने धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 17-2 षटकांचा खेळ इथपर्यंत संपलाय या दोन षटकामध्ये या 12 चेंडूमध्ये धावफलकावरती धावा लागल्या त्या बाबा इलेव्हन जीवदानी बामण डोंगरी संघाच्या 17 पहिल्या षटकाचा विचार केला पहिल्या षटकामध्ये हॅलो पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या आपण पाहिले असेल 12 धावा आणि या षटकामध्ये शुभम ठाकूरने अगदी जबरदस्त गोलंदाजी केली पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा 3 चेंडू डॉट काढले पाचव्या चेंडूवरती 2 धावा दिल्या आणि शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव अशा मिळून 5 धावा त्याने खर्च केल्या जबरदस्त गोलंदाजी त्याच्या नावाला साजेची अशी गोलंदाजी केली कल्पेश ठाकूरला मात्र त्याने जखडून ठेवलं होतं आणि आता एकूण धावसंख्येचा विचार केला 2 षटकानंतर धावपलकावरती धावा आहेत त्या 17 तर यानंतर पुढचा सामन्यासाठी सज्ज राहायचंय ज्या ज्या संघांना आज आमंत्रण आहे त्या संघांना विनंती करणार आहे की आपण वेळेवर अगदी इथे पोहोचायचंय कारण वेळेचं महत्व फार आहे कोविडचे निर्बंध आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला विनंती करतो की 10 आतमध्ये सामने संपले पाहिजेत गोलंदाज आलाय बंटी ठाकूर पुन्हा एकदा कल्पेश ठाकूर समोर आहे तर बंटी ठाकूर नावलौकिक गोलंदाज बंटी ठाकूरचा हा चेंडू खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण अगदी किपरच्या पाठीमागे जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलं जातंय विशाल ठाकूर यांच्याकडनं अगदी जर चेंडू त्याने अडवला नसता तर सीमारेषेकडे 4 धावांसाठी लेगबायचा इशारा पंचांचा एकेरी दाबेने धावपलकावरती धावा 18 सुरुवात चांगली झालेली आहे परंतु तितकीच चांगली गोलंदाजी मैदानामध्ये पहिल्या षटकात 12 दुसऱ्या षटकामध्ये 5 प्रमुख मान्यवरांचं इथं मी आगमन झालेलं मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेसाठी या आपण या मंचावरती आपलं सहर्ष स्वागत यावेळेस तकदीरसाठी टाकलेला चेंडू सीमारेषेकडे वेगाने जातोय चेंडू थांबणार नाहीये आर पार सीमा पार रामदेव बाबा पतंजली षटकार 6 धावा या 6 धावांनी एकूण धावसंख्या 24 धावा तकदीर ज्याने एक चौकार आणि महत्वपूर्ण षटकार ज्या षटकाराची गरज होती बाबा इलेव्हन जीवदानी बामण डोंगरी संघाला तो षटकार खऱ्या अर्थाने तकदीरने खेचलेला आहे तकदीर पाटील तर एका बाजूला बंटी ठाकूर अशी लढत एका बाजूला बामण डोंगरी तर दुसऱ्या बाजूला मुरबी ही भिडंत आहे ही चांगली लढाई आहे अशा प्रकारचा क्रिकेट खेळला जातो मैदानामध्ये ताकदीने युक्तीने आणि शक्तीने क्रिकेट खेळला जात आहे यावेळेचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषेकडे वेगाने जातोय अजून एक दमदार डाबर जाऊन 5 चौकार 4 धावा तकदीर आज थांबायला मागत नाही तकदीरचं आज तकदीर बदललेलं आहे तकदीरचा आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाची भेट सदिच्छा तो इथे चौकार आणि षटकाराने देते आतापर्यंत त्यांनी 2 चौकार आणि 1 षटकाराची आतचबाजी केलेली आहे क्या बल्लेबाजी आहे जबरदस्त फलंदाजी त्यांनी केलेली आहे या दरम्यान रिवालजी यांचं इथं स्वागत आहे आपण या जबरदस्त अशी गोलंदाजी आहे परंतु तितक्या ताकदीची फलंदाजी केली जाते एकूण धावसंख्या 28 जबरदस्त खेळी मैदानामध्ये साकारलेले आहे बंटी ठाकूर आता दुधारी तलवार लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद अशा प्रकारचा खेळ सीधी उंगली से घी निकलता है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी चाहिए सरल फटके येत होते परंतु इथे चुकीचा निर्णय ठरला मी म्हणेन की
तकदीर साठी स्लोवर डिलिव्हरी मी चेंडू टाकला होता तिथे एकदा मिळते चेंडू वेगाने जातोय आणि इथे मात्र चार धावा अजून एक इथे चौकार मिळतो जिथे क्षेत्ररक्षकांची चूक चुकीला माफी नाही असं म्हटलं जातंय आणि खराब क्षेत्ररक्षण जर आपण केलं तर नक्की स्पर्धेमध्ये आपण बाहेर होऊ शकता अशा प्रकारचा क्रिकेट आपण पाहिलेला आहे या चार धावांशी एकूण धावसंख्या 32 धावा जबरदस्त फलंदाजी तकदीर थांबायला मागत नाहीये कॉमेंट्री बॉक्स वरून सरळ आर पार सीमा पार और एक दमदार रामदेव बाबा पतंजली षटकार षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी या खेळाडूंना केली जाते या षटकारांची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38 या धावसंख्येवरती तर नक्कीच दीपक पाटील सरांचंही इथे आगमन होतंय त्यांचंही सहर्ष स्वागत करतो जबरदस्त असा सामना मैदानामध्ये रंगतोय एकूण धावसंख्या 3 षटकांचा खेळ संपेपर्यंत 38 धावा आणि या षटकाचा जर विचार केला अगदी महागडा ठरलाय बंटी ठाकूर 21 धावा त्याने खर्च केल्या पहिल्या षटकात 12 दुसऱ्या षटकामध्ये 5 आणि या षटकामध्ये समाचार घेतला तकदीर पाटीलने ज्याने षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी केली 2 षटकार त्याने या षटकामध्ये घेतले आणि 3 चौकार अशी 21 धावांची पारी त्याने या षटकामध्ये खेळली आणि एकूण धावसंख्या नेऊन पोहोचवली ती 38 या धावसंख्येवरती नवीन गोलंदाज विकी पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज अंतिम षटक टाकण्यासाठी तर समोर आहे फलंदाज कल्पेश ठाकूर कल्पेश ठाकूर सूर सापडला नव्हता परंतु चेंडू हवेमध्ये आणि इथे खराब क्षेत्ररक्षण तेल गेले तूप गेले धावा झाल्या 2 तिसरी धावही मिळणार आहे म्हणूनच मी नेहमी कन्नडीमध्ये म्हणत असतो जीवा लललित दुर दुर दुरित कंठ हे दुलीस मिळवणारे क्षेत्ररक्षण आहे अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण जर केलं तर नक्कीच आपल्याला स्पर्धेतून बाद होऊ लागेल परंतु आता इथे मात्र धावा मिळाल्या झेल गेला झेल सुटला आणि तिथे मात्र 3 धावा मिळाल्या त्या बामणडोंगरी संघाला बामणडोंगरी संघ जाऊन पोहोचला 41 म्हणजे बिनबाद 41 जबरदस्त पार्टनरशिप साझेदारी दिला म्हटलं जात आहे ती साझेदारी मात्र या दोघांनी केलेली आहे एका बाजूला कल्पेश ठाकर दुसऱ्या बाजूला तकदीर पाटील काय फलंदाजी करतायत दोघे आता पहिला चेंडू होता विकी पाटीलचा 3 धावा मिळाल्या विकीचा चेंडू सीमारेषेकडे वेगाने जातोय लांबच लांबच लांब रामदेव बाबा पतंजली षटकार 6 धावा 47 धावा आगे कूच केलेली 50 धावांसाठी आतापर्यंत या 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय चौथ्या षटकातला अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि तकदीरने मात्र आपले तकदीर आजमावले आणि खऱ्या अर्थाने आज त्यांचा बर्थडे आहे परंतु हे बर्थडे सेलिब्रेशन करण्यासाठी त्यांनी मात्र जी आक्रमकपणा घेतलेला आहे आतापर्यंत 3 षटकारांची आतषबाजी यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला सीमा पार अजून एक दमदार हायवर फायटाजन सॉलिड षटकार 50 धावाही पूर्ण झालेल्या आहेत जोरदार टाले होऊ द्या 53 धावा धावपळकावरती आतापर्यंत 4 षटकार तकदीरच्या पारीमधना आणि खऱ्या अर्थाने जी सुरुवात करायची होती ती सुरुवात केलेली आहे आणि प्रहार केलेल्या विकीवरती 3 धावा मिळाल्या आणि त्यानंतर मात्र आक्रमकपणा यावेळेचा चेंडू आता मात्र चकवा दिलाय जबरदस्त गोलंदाजी यावेळेस मात्र विकी पाटील याच्याकडनं 2 चेंडूवरती सपाट्याने मार खाल्ला याचा कारण झेल सुटला आणि त्यानंतर मात्र आक्रमकपणा घेतला तो फलंदाजाने पुन्हा एकदा चेंडू पाहायचंय तिथे क्षेत्ररक्षक आहे एक धाव तकदीरला मिळतंय आणि नशीब चांगले आहेत आज बर्थडे आहे आणि चौकारांची जिथे क्षेत्ररक्षकही कामगिरी चांगली करत नाहीये सरळ सीमाकडे रेषेकडे आणि एकूण धावसंख्या आहे संघाची एकूण धावसंख्या 57 धावा आणि ज्याच्यामध्ये 46 धावा आहेत त्या एकट्या फलंदाज तकदीर पाटीलच्या खऱ्या अर्थाने 14 चेंडू मध्ये संदेशजी सांगतात 14 चेंडू आणि 46 धावांचं योगदान चेंडू बाकी आहे 1 काय जबरदस्त खेळी 57 धावा धावपळकावरती आहेत जबरदस्त खेळी तकदीर पाटीलने खऱ्या अर्थाने आज ज्याचा वाढदिवस आहे आणि ते वाढदिवस निमित्त मात्र मैदानामध्ये ज्या प्रकारची फलंदाजी केली जाते
सुरुवात अगदी सुरेख आहे. यावेळी चेंडू भिडकवलाय, पायचे क्षेत्ररक्षक तिथे, फलंदाज मात्र 15 चेंडू मध्ये 46 धावांचं योगदान दिलंय आणि पहिला सत्राचा खेळ इथपर्यंत संपतोय. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 57 धावा, 58 धावांचं लक्ष असणार आहे येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये. परंतु या 24 चेंडू मध्ये कशा प्रकारची धावसंख्या होते, कशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाते हे ऐकण्यासाठी आपण जाणार आहेत प्रवीण गायकर यांच्याकडे. धन्यवाद. हॅलो, थँक्यू गोरक्षा पवार सर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ, निर्विघ्नम कुर्मी देव सर्व कार्य सुसर्वदा. अखंड आग्रिकोलनची कुलस्वामिनी आई एकवीरा आणि महाराष्ट्राचे आरदेव छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तमाम मराठी बांधवांचे हिंदू उदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून, आणि ज्याने खऱ्या अर्थानं आग्री समाजाचा खऱ्या अर्थानं नाव आणि त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीनं 12.5% न्याय मिळवून दिला शेतकऱ्यांसाठी, आणि त्यांचे तुम्हाला सर्वांचे स्वर्गीय लोकनेते दिवाबाटी साहेब यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून वळूया स्पर्धेकडे. आज मात्र या स्पर्धेची चौथी रात्र. एकूण तुम्ही या स्पर्धेचा विचार केला तर 3 संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालेत. शेवटची रात्र आजची, आणि नक्कीच तुम्हाला आजच्या या पोल मधून एक संघ क्वालिफाय होईल सुपर 4 मध्ये. तत्पूर्वी महत्वाचे अनाउन्समेंट असेल. याच्यानंतर होणारी मॅच पेट आरसीसी पेट आणि त्याच्यानंतर नावा 11 क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो टॉस साठी आपण रिपोर्टिंग करायची. नेक्स्ट मॅच असेल सुपर 4 मध्ये. तुम्ही विचार केला 3 संघांचा, तर सुपर 4 मध्ये आय थिंक संघ पोहोचले. पहिल्या दिवशी पहिल्या रात्री सिद्धिविनायक वहाल आणि त्याच्यानंतर नारपोली, आणि तिसऱ्या रात्री दिवस रात्रीचा विचार केला तर याच मैदानावरती खऱ्यातून सातत्याने क्रिकेट खेळत असतात ते श्रीदत्त 11 भातान. हे 3 संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाले, आणि आज या 8 संघांमध्ये कुठले संघ क्वालिफाय होतील सुपर 4 मध्ये हे देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो चलते मुकाबले की तरफ. फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ. प्रीतम दादा माथरे, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस टूर्नामेंट का हर साल आगाज किया जाता है. लगभग 14 साल इस ये टूर्नामेंट का है, और इस टूर्नामेंट के हमारे दमदार यशस्वी आयोजक शेतकरी कामगार पक्ष के दमदार नेतृत्व और माजी सरपंच चंद्रकांत शेठ भोईर और श्रीदत्त क्रिकेट क्लब भातान आयोजित संजय भोईर सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी 2022 का ये शानदार पर्व चलता हुआ. पहला ही मुकाबला ए पोल की ये मैच है, और यहाँ पर देखेंगे सिक्का उछला बाबा 11 जोदानी बामन डोंगरी टीम के पक्ष में. पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, कई खिलाड़ी थोड़े से देरी से आए उसकी वजह से ये फैसला लिया गया, और आज के बड़े बॉय ने तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल की बल्लेबाजी की. लगभग अकेले बल्लेबाज ने रन ठोके. यहाँ पर 46 रन ठोके अकेले बल्लेबाज तकदीर ने, और अपना परिचय देते हुए क्या कमाल की बल्लेबाजी. भातान टीम के बाहुबली यानी कि प्रवीण भोईर बिल्कुल आज निश्चित तौर पर उनकी टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं. और चलते इस मैच की तरफ. जीतने के लिए टोटल टारगेट है आर्यम मुरबी 11 टीम के सामने 58 रनों का लक्ष्य है. बड़ा टारगेट जरूर, लेकिन इस टारगेट करते हुए आप देख सकते हैं जहां पर आरंभिक जोड़ी विकी पाटिल और ओमकार पाटिल मिस्टर 360 डिग्री जिस बल्लेबाज को कहा जाता है. लेकिन एक का दुख की बात होगी बाबा 11 जोदानी बामन डोंगरी टीम के लिए कि आज भानुदास टीम में नहीं है, संदेश गोंदी टीम में मौजूद नहीं है, लेफ्ट हैंड बॉलर आदित्य पाटिल टीम में मौजूद नहीं है. यानी इतनी बड़ी प्रतियोगिता जब भी आप खेलते हो तो बिल्कुल आपकी पूरी टीम होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई खिलाड़ी बिल्कुल घूमने के लिए जाते हैं उसकी वजह से दिक्कत ही होती है. और यहाँ पर आज देखेंगे किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी. बामन डोंगरी की पहचान है बिल्कुल हमारे संजय शेठ ठाकुर स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइट टूर्नामेंट के यशस्वी डे टूर्नामेंट के यशस्वी आयोजक. एक तरफ अमर माथरे उप सरपंच, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. तो नेक्स्ट मैच नावा 11 टीम के कैप्टन और आरसीसी पेट टीम के कैप्टन, ये आपको अंतिम पुकार होगा. आप टॉस के लिए संपर्क करें क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 10 बजे तक यहाँ पर ये मैच खेला जाने की अनुमति मिली है, इसका आप बात ध्यान में रखें. तो 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से ये कवरेज किया जाएगा, और उसके बाद ये यूट्यूब के ऊपर लिंक है वो बिल्कुल छोड़ी जाएगी, और आप ये नाइट टूर्नामेंट का बिल्कुल मैचेस देख सकते हैं. तो सलामी बल्लेबाज ओमकार पाटिल, और उनका साथ देंगे यहाँ पर बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज
विकी पाटिल गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अभी अभी नई शादी में जुटे हुए खिलाड़ी है ओमकार नाइक, जिसे जूनियर विश्वजीत ठाकुर कहा जाता है। पहली गेंद हवा में है, ओमकार यहां पर अपना परिचय देते हुए पहली गेंद के ऊपर, ओमकार वर्सेस ओमकार की जय जयकार। पहली गेंद के ऊपर यहां पर आया बड़ा शॉट, 6 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए 24 गेंदों में 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और उसी लक्ष्य का जवाब देते हुए पहली गेंद के ऊपर धमाकेदार शुरुआत 6 रनों के साथ। आरएम स्पोर्ट्स 11 मुरबी टीम के बल्लेबाज ओमकार ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंचा दी बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 6 रन। बैटिंग पैराडाइज विकेट, कमाल की बल्लेबाजी पहले सत्र में देखने को मिली और सेकंड इनिंग्स में रनों को चेस करते हुए ये विस्फोटक शुरुआत ओमकार पाटिल के बल्ले से। राइट आर्म ओवर द विकेट से ओमकार तैयार। ये भी हाफ ट्रैकर की बॉल, इस बार हवा में है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छा यहाँ पर कवर देते हुए खिलाड़ी, लेकिन उठाएंगे जब तक फील्ड करेंगे तब तक ओमकार के पास समय था दो रन लेने का। तो बिल्कुल नावा टीम के कैप्टन वैष्णव वीर जोफ्रा आर्चर जिन्हें कहा जाता है, उनका आगमन उच्च का स्वागत है। तो आरसीसी प्लेट 11 टीम के कैप्टन से गुजारिश करते हैं कि आप ज्यादा समय न व्यतीत करें, आप भी टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़ चुके हैं सुनील सते, ग्राम पंचायत सदस्य बातान, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 7 नंबर की जर्सी ओमकार, लेट कर खेलने की कोशिश, क्या कमाल का एफर्ट दिखाया था और इसीलिए तो जाने जाते हैं। अगर ये कैच लेते सुपर फोर में क्वालिफाई होते तो बेशक दावेदार बेस्ट फील्डर बन सकते थे। महाराष्ट्र पोलिस तेजस मात्रे बड़े उम्दा आयोजक के तौर पर जाने जाते हैं। नाखुश है संजय बहिर सर, थोड़े से नाखुश है ये चंद्रकांत सर, थोड़े से नाखुश है। कैच लेने के लिए एफर्ट बढ़िया किया था और पॉइंट का फील्डर मंदु जॉन्टी रोड्स, रॉबिन सिंह, रिकी पॉन्टिंग, ये भूमिका दी जाती है और बिल्कुल ये भूमिका निभाते हैं। वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, ओमकार पाटिल को रोकने में ओमकार नाइक बिल्कुल यहाँ पर समर्थ हो चुके हैं। इस बार बेहतरीन गेंद, बिल्कुल मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद, LBW पग बाधा पाए गए और यह पहला करारा छटका आरएम मुरबी 11 टीम को मिलता हुआ। ओमकार पाटिल बैक टू द पेविलियन, बड़ा विकेट कहेंगे क्योंकि जिस बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है उसी विस्फोटक अंदाज से शुरुआत की थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे ही ये गेम ओमकार ने परखा कि ज्यादा स्वीप खेलना पसंद करते हैं, कभी कभी ऑन साइड में बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधी यॉर्कर गेंद थी। इस गेंद के ऊपर भेजने के लिए मात्र आपको तकलीफें होती है, या तो आप हेलीकॉप्टर उड़ाए इस गेंद के ऊपर या तो इस गेंद को सम्मान दे। और चंद्रकांत शेठ भोई सर कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तो वीरेंद्र सहवाग ने बताया था एक है परफेक्ट यॉर्कर और दूसरा है भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर। ये परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पर देखने को मिला, कितनी सटीक लाइन से गेंद फेंकी थी और बिल्कुल यहाँ पर ओमकार को चलता बना दिया। बिग विकेट, बिग ब्रेक थ्रू यहाँ पर दिलाते हुए ओमकार नाइक, कमाल की गेंदबाजी, छक्का खाए गए, जिगर है कमबैक करने का तो जिगर दिखाते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3 बंटी ठाकुर, ओमकार तैयार। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल LBW की जोरदार अपील की गई थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर नॉट आउट का आता हुआ, लाउड अपील थी लेकिन तब तक यहां पर एक रन मुकम्मल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इसे एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 9 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी है लेकिन एक तरफ बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर दिखाना होगा। तो तक तब यहाँ पर एक रन बटोरते हुए टोटल 58 रनों का लक्ष्य है। अभी भी बात करेंगे आने वाली गेंदें होंगी, टोटल मैच इस ओवर की गेंदें बची है एक, यानी कि टोटल 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए टोटल 49 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा मैच जरूर है लेकिन देखेंगे ओमकार पाटिल आउट होने के बाद क्या पारी को यहाँ पर संभालने की कोशिश। बाएं हाथ के बल्लेबाज, छोटा पॉकेट, बड़ा धमाका जिसे कहा जाता है, वो विकी पाटिल के अपने पारी को जमा पाएंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, यहां से क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, रफ्तार से बीट किया, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई, कमाल का ओवर। पहले ओवर में छक्का आया था ओमकार नाइक के ऊपर लेकिन उसके बाद ओमकार ने क्या शानदार तरीके से वापसी की, सिर्फ 3 रन दिए अगली 5 गेंदों के ऊपर, एक बहुमूल्य सफलता। और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद दादागिरी प्रस्थापित करती हुई बाबा 11 बामन डोंगरी टीम का ये गेंदबाज, युवा प्रतिभावान जिगरबाज जिसे गेंदबाज कहा जाता है, कमाल की गेंदबाजी, 9 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदे बची यहाँ पर 18 और जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता। दिल्ली बहुत दूर है, अगर आपको यहाँ पर ऊंची उड़ान भरनी है तो निश्चित तौर पर एक बड़े बड़े स्ट्रोक लगाकर इस मैच को फिनिश करना पड़ेगा। कौन भूलेगा दोस्तों जिस तरीके से
आरएम मुरबी टीम की गेंदबाजी काफी ताकतवर जानी जाती है और उसी गेंदबाजी के खिलाफ अटैकिंग बल्लेबाजी आज के बड़े बॉय तकदीर पाटिल के माध्यम से यहां पर दमदार बल्लेबाजी, चार रन से मात्र अपना अर्धशतक से चूके, वरना आज के ये नाइट का अंतिम रात्रि का यह पहला अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर हो सकता था। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मार्ग पर निखिल खोत गेंदबाजी के रहते हुए, ये भी अपकमिंग स्टार है। तेजस मात्रे की तो सराहना करेंगे, जब भी मैदान के अंदर टीम उतर कर लेते हैं तो युवाओं को गजब प्रमोट करते हैं। हाल ही में बात करेंगे जिस तरीके से रिवल मात्रे सर कि अब इनके टीम में कई सारे गेंदबाज आ चुके हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 18 गेंदे 49 रनों की आवश्यकता। अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद प्रसाद कडू के द्वारा, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच यहाँ पर पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज बंटी ठाकुर के पारी का अंत होता हुआ ये दूसरा बड़ा छटका लगेगा रामकृष्ण महालक्ष्मी मुरबी 11 टीम को। थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं इनके बल्लेबाजों के सामने, लेकिन ओमकार का जैसे ही विकेट गिरा थोड़ा सा प्रेशर लगातार इनके ऊपर बना रहा। तो चलिए प्लीज हम गुजारिश करते हैं नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, नावा टीम के कैप्टन मौजूद है वहां पर, तो आरसीसी पेट 11 टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी टॉस के लिए आकर यहां पर संपर्क करें। पिछले तीन रात्रि और दिवस का विचार करेंगे तो बिल्कुल नारपोली श्रीदत्त भातान और सिद्धि विनायक वाल, ये तीन टीमें टॉप सुपर फोर में क्वालिफाई हो चुकी है और इन ए पोल में से कौन सी टीम टॉप सुपर फोर में क्वालिफाई होगी ये आपके सामने जवाब होगा। शुरुआत थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, देखेंगे जिस तरीके से स्ट्राइक एंड पर विकी है और नए बल्लेबाज यहां पर आते हुए शुभम ठाकुर जिनके कांधों के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। विकी है मैदान में जब तक मैच बनेगा रामकृष्ण महालक्ष्मी मुरबी टीम के लिए, लेकिन इस तरीके की अगर गेंदबाजी खतरनाक चलती रहेगी तो निश्चित तौर पर और भी दिक्कतें आपके सामने पेश होगी। हाल ही में खेली गई कुंडेवाल के मैदान के ऊपर आशीष स्मृति ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की थी विकी पोईर ने, क्या वो पारी को एक बार जोहर दिखा पाएंगे तभी अपने टीम को बचा पाएंगे, इतना आसान नहीं है। मुश्किल राह जरूर है लेकिन मुश्किल राह से जो रास्ता निकाले वही सिकंदर कहलाता है। अच्छी गेंदबाजी, जैसे ही देखा बल्लेबाज थोड़े से डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था, थोड़े से आगे आकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन उस लेन को यहां पर गेंदबाज ने अच्छी तरीके से डाला, थोड़ा सा टप्पे को पीछे रखा, डॉट बॉल की यहां पर बिल्कुल समाप्ति होती हुई, स्कोर वही के वही रुका हुआ। बात करेंगे तो मैच 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदे बचे यहां पर अब बात करेंगे 16 और 49 रनों की आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा दूर जरूर जाता हुआ लेकिन क्या कमबैक कर पाएंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, फील्डर प्रसाद कड़ू वहां पर एक अच्छे फील्डर जाने जाते हैं लेकिन अंपायर का नो बॉल का करार, शायद थोड़े से स्टेप आउट हुए थे उसकी वजह से अंपायर ने यह नो बॉल का करार दिया। अब यहां पर देखेंगे रिवल माते सर, जब ऐसे ऐसे उलट फोड़ होते हैं ना तो थोड़े से कहीं ना कहीं खतरे के संकेत होते हैं। अब यहां पर देखिए सोने पे सुहागा होगा, विकेट भी सेफ है इनका, ऐसे हालतों में नो बॉल भी है और फ्री हिट का मौका भी खुला होगा, तो देखेंगे दो रन मुकम्मल होंगे इस गेम के ऊपर 1+1 और दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन, जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य है। अभी भी बात करेंगे 16 गेंदे 47 रनों की आवश्यकता। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे जहां पर आज चौथी रात्रि में अंतिम रात्रि और निश्चित तौर पर एक अच्छा क्रिकेट का योगदान यहां पर श्रीदत्त भातान क्रिकेट क्लब इनके ओर से और चंद्रकांत शेख भोईर और ग्रामस्थ मंडल भातान जिनके ओर से बिल्कुल काफी अच्छा ऑर्गेनाइज नजर आता हुआ। फ्रीट की बॉल स्ट्रेट हिट हवा में है जरूर लेकिन एफर्ट बेहतरीन, बढ़िया कैच वहां पर लपका था, फ्रीट की बॉल थी इसकी वजह से यहां पर खिलाड़ी आउट नहीं होंगे, लेकिन तब तक बल्लेबाज एक रन मुकम्मल करते हुए एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रन, जीतने के लिए 15 गेंदे बची है 46 रनों की आवश्यकता। मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ, अब ये नहीं करना होगा, यदि आपको ये मैच जीतना है तो बिल्कुल आप बचपन में कभी खेल खेला होगा चिड़िया उड़ गाय उड़ कबूतर उड़, अब ये चौके चक्के नहीं उड़ाएंगे ना तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाइए मैदान के अंदर, रिलीज प्रिय बिल्कुल खिलाड़ियों को थोड़ी सी निश्चित तौर पर यहाँ पर थ्रो जो था उसकी वजह से आज दिक्कत हो गई तेजस मात्रे आपके गेंदबाज के लिए, ठंडी का मौसम है और इस ठंडी के मौसम में रिवल मात्रे सर जितना जोर से आप थ्रो फेंकेंगे ना उतना ही तकलीफ आपके गेंदबाजों को होगी आपके खिलाड़ियों को होगी। तो चला रिलीज पे गेंद जाए मैदान में, कधी कधी होते रिवाल मात्र सर तुम्ही जेव्हा वेगाने थ्रो करता तेव्हा तुम्हाला अंगठ्यावर किंवा कुठल्या बोटावरती जर जोरात चेंडू आदलला तर तुम्हाला भरपूर इजा होते,
आणि जास्त करून ते गोलंदाजांना इजा झाली तर तुम्हाला पुढच्या मॅच मध्ये त्याचा भरपूर फटका बसतो आणि इथे देखील तेच चित्र पाहायला मिळेल. आय थिंक सुरक्षित असतील तर खूप चांगली गोष्ट होईल त्या संघासाठी. परंतु इथे पाहूया रिलीज प्ले करताना फर्स्ट एड बॉक्सची तेजस मात्र मागणी करतायत आणि इथे गोलंदाज निखिल खोत थोडीशी याला इजा होत असताना मॅच तुम्हाला भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. आज एकूण 10 संघ टॉप ए म्हणजे ए गटातील 10 संघ तुम्हाला या मॅच मध्ये खेळताना पाहायला मिळतील आणि या 10 संघांमधून एक संघ मात्र सुपर फोर मध्ये क्वालिफाय होईल. प्रेक्षकांची हळूहळू गर्दी देखील पाहायला मिळेल. परंतु त्या प्रेक्षक माईबापांना नक्कीच आम्ही सांगू सध्या कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव त्याच्यामुळे स्वतःची काळजी घ्या, सॅनिटायझर वापरा, मास्क वापरा, सुरक्षित अंतर जेवढं ठेवता येईल तेवढं ठेवा आणि 10 च्या 5 पेक्षा जास्त गर्दी तुम्ही करू नका. हेच आमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्हाला संदेश असेल कारण भरपूर स्पर्धेना इथे फटका बसलाय. त्याच्यामुळे ही स्पर्धा मोठ्या मनानं खऱ्या अर्थानं 14 वर्ष संपन्न होत असताना ही स्पर्धा श्रीदत्त क्रिकेट संघ भातान यांच्या माध्यमातून रिवॉल्व मात्र सर खेळवली जाते आणि दिवस रात्र ही स्पर्धा सर एक उंच शिगेला आणि आय थिंक मला वाटतं पनवेल मधली ही पहिलीच मानाची नाईट स्पर्धा चंद्रकांत शेठ भोईर आणि श्रीदत्त क्रिकेट संघ भातान यांच्या माध्यमातून साकारली गेली. त्यांचंही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे, रन बने हैं टोटल सिर्फ और सिर्फ ए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 12 रन जीतने के लिए. अब बात करेंगे 15 गेंदे बची है, 46 रनों की आवश्यकता है. मैच फंसा हुआ है लेकिन इस फंसे हुए मैच को क्या विकी निकालने में कामयाब हो पाएंगे जहां पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है शुभम ठाकुर और स्ट्राइकर बल्लेबाज है विकी पाटिल. ओमकार ने पारी की शुरुआत बेहतरीन की थी लेकिन यहाँ पर उस पारी को अगर बात करेंगे अब संभालने की जिम्मेदारियां इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर होंगी. निखिल राइट आर्म राउंड द विकेट, हवा में गेंद है, मिस्टर अमित श्लोक फील्डर बहुत दूर है, तब तक 1 रन मुकम्मल. ज्यादा तेज दौड़े हुए इसकी वजह से खराब फील्डिंग हुई और बल्लेबाज को मौका मिला 2 रन लेने का. 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 14 रन जीतने के लिए 14 गेंदें बची है और 44 यानी कि 44 रनों की आवश्यकता है. रिवॉल्व मात्र सर क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाते तब तक कोई कमेंटेटर या कोई दर्शक इस मैच का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. मैच हाई वोल्टेज होने की आशंका नजर आ रही है लेकिन इसके लिए विकी का विकेट के ऊपर रहना जरूरी है लेकिन इतना आसान नहीं होगा बाबा 11 बामन डोंगरी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ. फुल टॉस बॉल बनेगा ये मैच अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलती रहेगी. डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. आरसीसी पे टीम अंतिम पुकार होगा आपके लिए, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है. तो आरसीसी पे 11 टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए संपर्क करें. 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे छलांग मारता हुआ यहां पर 20 रनों के ऊपर अब 13 गेंदें बची है, 38 रनों की आवश्यकता. आरसीसी पेट टीम च्या कॅप्टनला शेवटची वॉर्निंग असेल, जर आपण इथे आला नाहीत तर आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची नोंद घ्या. लास्ट कॉल ऑफ आरसीसी पेट टीम. बंटी ठाकूर तुमच्यासाठी, बंटी जोशी तुमच्यासाठी आज शेवटचा कॉल असेल याची नोंद घ्या. तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे छक्का आने के बाद ये गेम के ऊपर अगर छक्का आता है तो ये मैच पूरी तरीके से मुरबी टीम के सामने जरूर यहां पर आकर खड़ा होगा. अंतिम 13 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता. क्रॉस बाय डेड मारने की कोशिश LBW की अपील की गई थी, हाइट फैक्टर को अंपायर ने जाना और बिल्कुल इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति. ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद RM मुरबी टीम का स्कोर है बिल्कुल यहां पर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर. अब 12 गेंदे बची है, 38 रनों की आवश्यकता. लगभग देखा जाएगा रिवॉल्व माथे सर इन 12 गेंदों के ऊपर आपको 6 छक्के मारने हैं तो ये मैच आपके लिए बना जाएगा, वरना जो सपना लेकर आए थे भातान के नाइट टूर्नामेंट में वो सपना बिल्कुल आपका चकना चूर हो सकता है. उम्मीद जारी है, प्रयास जारी है. तो चलिए तेजस मात्र से ज्यादा टीम मीटिंग ना करें, आप भी खुद एक महाराष्ट्र पुलिस हो उसके लिए पाबंदी है, इसीलिए 10 बजे तक हमें यहाँ पर अनुमति दी गई है और उसी हिसाब से आपको एक क्रिकेट की खेल भावना यहाँ पर दिखानी होगी. एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है और समय के साथ मैच आप तुरंत यहाँ पर स्टार्ट कीजिए. RCC पेट 11 टीम यदि आए हो तो आपको इसके बाद कॉल नहीं दिया जाएगा. ये कमिटी मेंबर्स प्रवीण बहुर का इशारा आ चुका है, सीधी आपको पेनल्टी दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ये मैच समाप्त होने से पहले यदि आपका कप्तान यहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, ये बात पक्की है. गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से दूर वाले छोर से तैयार.
अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंका था इस गेंद को और अंपायर ने उसे व्हाइट बॉल का करार दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 21, 21 रन अब गेंद बची है 12 और जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच 50-50 बैलेंस है। ना मुरबी टीम जीती है, ना बामन नगरी टीम मुकाबला हारी है, अभी भी संघर्ष मैदान के अंदर जारी है। अनसाइड में अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑन में फील्डर है, वहां पर वी शेप में खेला वास्तु, एक रन तो जरूर मुकम्मल, जबकि जब तक फील करे थ्रो करे तब तक मौका था बल्लेबाज के पास दो रन लेने का, और इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब जीतने के लिए 11 गेंदें बची है और 35 रनों की आवश्यकता। रिवल माते सर, जैसे जैसे चौके छक्के लगेंगे वैसे वैसे मुकाबला आर्य मुरबी टीम के लिए खुला होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे डांट गेंदे आती जाएंगी वैसे वैसे तकलीफें दिक्कतें होगी यहाँ पर रामकृष्ण महालक्ष्मी मुरबी टीम के सामने। इन बात ओवर द विकेट से अच्छी गेंदबाजी, तेज अपील यॉर्कर का प्रयास, लेकिन कहां पर लगी है ये सोच थी जरूर, अपील की गई थी अंपायर की तरफ, बल्ले पर लगी हुई यहां पर पैरों पर लगी होगी, इसकी वजह से यहां पर निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ अपील की गई थी। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई, कमाल की गेंदबाजी, सटीक यहां पर ऑफ स्टंप यॉर्कर गिरा था जीत को, निखिल को, ये ट्रम्प कार्ड है टीम के, और बिल्कुल यहां पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए डॉट बॉल समाप्ति हुई। अब 10 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, अच्छी गेंद यहाँ पर ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन तो यहाँ पर जरूर मुकम्मल है। फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, फिर से इस मर्तबा यहाँ पर दो रन मुकम्मल करते हुए, दो रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 25, 25 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 9 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता, लगभग 9 गेंदों में 5 छक्कों की आवश्यकता है। ये 5 छक्के अगर मारने में बिल्कुल कामयाब हो पाते हैं तभी मुरबी टीम इस मैच में बच सकती है, वरना यहां पर अलविदा करना पड़ेगा। हर गेंद के ऊपर प्रहार चाहिए, लेकिन कमाल की गेंदबाजी जीत खोद के माध्यम से यहाँ पर नजर आती हुई, जो तेजस माथरे के हुक्म के इक्के जाने जाते हैं। ये भी अच्छी गेंद, फुलर रन की बॉल थी, हम साइड में खेलने की कोशिश की थी, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और देखिए नाइट प्रतियोगिता जब भी आप खेलते हो ना रिवल माते सर, यदि आपके पास प्रवीण रफ्तार से बीट करने वाला फास्टेस्ट गेंदबाज है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। फास्टेस्ट गेंदबाज नाइट रजनी में जब भी तेज बॉल डालते है ना तो गेंदबाजों के सामने दिक्कतें होती है। ये उजाले में खेली हुई दोपहर के सत्र में दिन की टूर्नामेंट नहीं है, आपके पास गति है। विश्वजीत ठाकुर देखिए, ओमकार ने रफ्तार के सौदागर, ओमकार नाइक ने बामन डोंगरी की टीम के कमाल की गेंदबाजी की, और आज वैष्णव बोईर को भी आप देखेंगे जहां पर एक अच्छा क्रिकेट, यानी कि दोनों तरफ मैच होगा, एक तरफ अरबाज शेख आरसीसी पेट टीम के, तो दूसरी तरफ वैष्णव बोईर नाबा टीम की तरफ से। रन बना तो बिल्कुल यहां पर उनको अंतिम पुकार है, ये मैच समाप्त होने से पहले यदि नहीं आते तो उनके लिए दिक्कतें होगी। इस बार भी लाजवाब गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदें फेंक रहे हैं यहां पर गेंदबाज जीत को। डॉट बॉल की समाप्ति, अब 7 गेंदें बची है, लगभग 32 रनों की आवश्यकता। मैच तो खुला हो चुका है बाबा 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के लिए, लेकिन देखेंगे अंतिम सांस तक किस तरीके से लड़ना चाहते हैं विकी पाटिल। इतना सहजता से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मुरबी टीम बोले तो बिल्कुल रिवाल माते सर, ऑस्ट्रेलिया टीम जानी है रायगढ़ की। ये फुल टॉस बॉल, इस गेंद को भेज दिया बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, और अंपायर का कॉल, नो बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ। कहानी में अभी भी ट्विस्ट है मेरे दोस्त, अभी भी मैच में बने रहने की कोशिश यहां पर नजर आती हुई। तर पंचांवरती प्रेशर नका, कमिटीच्या माध्यमातून इथे डिसिजन आलाय। अंपायर कॉल इज द लास्ट कॉल, आयोजकांच्या माध्यमातून इशारा आलाय। 6+1 7 रन मिलेंगे इस गेम के ऊपर, और इस 7 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर बनता हुआ बात करेंगे 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। तब तक चलते टॉस बॉक्स में, बंटी ठाकुर आरसीसी पेट टीम के बंटी जोशी आरसीसी पेट टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है, और नाबा टीम के कप्तान भी मौजूद है, और टॉस किया जाएगा हमारे टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर। रामचंद्र जुनगरे साहेबांच्या शुभासे इथे टॉस केला जाईल। मंटी जोशी विरुद्ध वैष्णव भोईर अशी लढत तुम्हाला मैदानावरती इथे पाहायला मिळेल। नो बॉल का करार, अंपायर का फाइनल डिसीजन यहां पर आ चुका है। तब तक टॉस बॉक्स में बिल्कुल जाएंगे जुनगरे साहब के शुभ हाथों से
बिल्कुल यहाँ पर टॉस किया जाएगा, सिक्का उछला जाएगा। आज के रात्रि का सेकंड मैच ए पोल की दूसरी मैच आपके सामने पेश हो गई। टॉस इधे जिंकला बंटी आरसीसीपेट टॉस जिंकल्यानंतर बैटिंग करना निर्णय घेतलाय। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 रनों की और 1+ यानी कि नो बॉल करार है, 7 रन मिलेंगे 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 7 गेंदें बची है, 25 रनों की आवश्यकता थी, फ्रीड की बॉल थी, बिल्कुल यहाँ पर 23 बॉल डालने का प्रयास सटीक ठिकाने है, पर ये गेंद गिरी और बिल्कुल यहाँ पर 1 रन लेग बाइस का इशारा यहाँ पर अंपायर का आता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से लगभग देखा जाएगा ओवर नंबर 30 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 34। 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता, यानी कि 4 छक्कों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। क्या कमाल का मुकाबला रिवॉल्व मात्रे सर, ये जो छक्का है वो कहीं ना कहीं ये मैच में कहानी ना बदल दे। प्रिंस 11 नावा जिनके पुरस्कृत है समीर पाटिल को पर उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये मैच बिल्कुल तो बिल्कुल 6 गेंदे बची और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। मैदान के अंदर तूफान आग जिसे कहते हैं वो बम का गोला अभी भी सुरक्षित है, लेकिन लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं के लिए बाएं का इस्तेमाल यहां पर करते हुए बामन डोंगरी टीम के कप्तान, आएगा खेल का असली मजा। 6 गेंदे 24 की दूरी, गेंदबाजी के मार्ग पर कल्पेश ठाकुर, पहली गेंद यू मिस आई विल डेफिनेटली, यहां पर ऑफ स्टंप उखाड़ के निकाल दिया और जो जीत के बीच में काटा था उस काटे को दूर किया यहां पर गेंदबाज कल्पेश ने और यह बड़ा झटका यहां पर नजर आता हुआ आरएम मुरबी टीम के लिए। विकी बैक टू द पेविलियन, 5 गेंदे जीतने के लिए अब 24 रनों की आवश्यकता, लग रहा था मैच को शायद बना सकते हैं लेकिन जैसे ही विकी का विकेट गिरा तो थोड़े से दर्शकों की नाराजगी यहां पर नजर आती हुई आरएम स्पोर्ट्स मुरबी टीम के खिलाड़ियों की तरफ। तो न्यू बैट्समैन संदेश करावकर बल्लेबाजी के लिए, अगर कल की बात करेंगे जिस तरीके से खेली गई टूर्नामेंट अमदा ट्रॉफी कोपरोली के मैदान के ऊपर, रिवॉल्व मात्रे सर मुरबी टीम सेकंड रनर अप बनी थी, थर्ड रनर अप बनी थी और निश्चित तौर पर यहां पर आज अच्छा खेल की उम्मीद थी इनके खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती उनके सामने, मैच थोड़ा सा फंसता हुआ जैसे विकी का विकेट गिरा दिक्कतें इनके सामने बनती हुई। अब 5 गेंदे बची है 24 रनों की आवश्यकता। दोस्तों कहीं मत जाइए, दिल थाम के रहिए, इसके बाद और एक बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा जहां पर प्रिंस 11 नावा विपक्ष वेदा 11 आरसीसी पेट, ये दोनों टीमों के बीच में आपके सामने बड़ा मैच होगा। इस सीजन की सबसे खतरनाक फॉर्म में चलने वाली टीम यानी कि गणेश दादा पेट इनकी ये टीम बिल्कुल आपके सामने खेलती हुई नजर आएंगी, लेकिन उनके सामने भी वेस्ट बोल्ड की चुनौती होगी। यार्कर डालने की कोशिश अलोंग द कार्पेट ऑन साइड में खेला स्ट्रोक, यहाँ पर मिड विकेट और स्कोर लेके बीच में जब तक उठा मिड विकेट में जब तक उठाएंगे दूसरे की कोशिश यहाँ पर नजर आती हुई, बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन चुराए और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36 रन। अब जीतने के लिए बात करेंगे, 4 गेंदे बची है 22 रनों की आवश्यकता, हर गेंद के ऊपर अब छक्का चाहिए। अच्छा शॉट ऑन साइड में फिर से एक बार यहां पर खेल दिया है, फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। दर्शकों को जैसा मुकाबला चाहिए थे रिवॉल्व मात्रे सर वो मुकाबला देखने को नहीं मिला, एफर्ट तो अच्छा रहा था लेकिन इस एफर्ट को पूरी तरीके से खारिज करते हुए गेंदबाज। अच्छा शॉट है, जाते जाते अपना परिचय देना चाहते यहाँ पर बल्लेबाज और बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा शॉट शुभम के बल्ले से गेंद सीमा पार जाती हुई 6 रनों के लिए और 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 43। आप जीत की बात करेंगे, 2 गेंदे बची है 15 रनों की आवश्यकता, अनूप पाटिल साहब झांसी इनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे जो इस टीम को बिल्कुल पैक किया और निश्चित तौर पर हमेशा सपोर्ट रहता है उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 6 रनों के साथ यहां पर मैच थोड़ा सा दूर जरूर है, अब 2 गेंदे बची है 15 रनों की आवश्यकता, कोई ऐसा चमत्कार होगा जो आरएम मुरबी टीम को यहां पर बचा सकता है लेकिन देखेंगे। यहां पर अंपायर का नो बॉल का करार, रिवॉल्व मात्रे सर ये अगर छक्का था तो मैच में कुछ उलट फिर हो जाता था लेकिन चलिए किस्मत को मंजूर नहीं था, यहाँ पर पूरी तरीके से मेहरबान है इस वक्त मैं कहूंगा नसीब इस गेंदबाज इस वक्त बाबा 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के लिए। 1 रन मुकम्मल, नो बॉल के दगार पर फ्री हिट का मौका होगा, 2 गेंदे बची है 14 रनों की आवश्यकता।
ये लीजिए यहाँ पर फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाती हुई वन बाउंस ओवर द रोप अंपायर का इशारा यहाँ पर रहता हुआ चार रनों का और इसी चार रनों के मदद से ओवर नंबर चौथा प्रगति पथ पर स्कोर हो चुका है 48-48 रन। अब एक गेंद बची है और जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। अच्छा एफर्ट किया, अगर वो नोबॉल के ऊपर 6 रन आता तो शायद मैच बन सकता था, लेकिन ये देखिए नोबॉल, ये क्या हो रहा है, मुरबी टीम को ये तोहफा दे रहा है भगवान इतने रात्रि में और इस तोहफे को नहीं कबूल कर रहे। बाबू शाह होते तो ये बताते, अरे ये क्या हो गया, लैला के शादी में मजनू लंगड़ा हो गया और लफड़ा हो गया, ये बाबू शाह अच्छी तरीके से बता सकते थे, लेकिन इस सोने के सुहागे पर फायदा नहीं उठा पाए, बिल्कुल नो बॉल का करार। अब एक गेंद बची है, 9 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर रिवॉल्व मात्र सर, यहाँ पर इतने बड़े चांसेस अरे मुरबी टीम को यहाँ पर मिल रहे लेकिन उस चांसेस का फायदा नहीं उठा पा रहे, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल कोई भी इन दो गेंदों के ऊपर एक हाथ बड़ा हिट आता तो शायद मैच बन सकती थी। अब थोड़ी सी उम्मीदें दूर है लेकिन फिर भी ये दोबारा गलती करना चाहेंगे, अब तक दो बार तो नोबॉल डाल चुके हैं, अगर इस मरतब भगवान आपको दो बार जीवन दान देता है तीसरी बार भगवान आपको सीधा डायरेक्ट स्वर्ग में लेकर जाता है। चलिए यहाँ पर मुकाबला हुआ फिनिश, मुकाबला जीता बिल्कुल यहाँ पर बाबा इलेवन चिल्दानी बामन डोंगरी टीम ने, हार्दिक अभिनंदन। चलते स्वागत कक्ष में यहाँ पर गोरक्ष पवार साथ जहाँ पर जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। धन्यवाद प्रवीण जी, या दरम्यान सन्मान्य मान्यवरांचं इथे स्वागत केलं।